मोदी साहब, हालांकि है तो चार ही सीट, औरंगाबाद, गया, नवादा और जमुई, जिसमें गया और जमुई जो है ये एससी सीट है। तो इन चारों सीटों के आधार पे क्या आपका आकलन, क्या आपको लगता है कि, क्योंकि यहाँ बिहार में बहुत कम पोलिंग हुई है, पहली अकेला स्टेट है जहाँ 50% से कम पोलिंग हुई है, इसका क्या कारण है? जी मैं भी सुबह से यही देख रहा था और मुझे लग रहा था कि शायद दोपहर के बाद जो है वोटिंग परसेंटेज बढ़े है, लेकिन शाम 6 बजे का जो फिगर आया उससे तो लगा कि वोटिंग परसेंटेज बढ़ा नहीं और इसको 50% तक पहुंचने में बहुत मेहनत हमको लगता है कि मुश्किल हो गई कि 50% तक पहुंच जाए। तो मैंने जो अलग अलग जगह बात की उसमें ये समझ में आया कि एक तो गर्मी है हर जगह और जो मुस्लिम मतदाता है वो जुमा के बाद जो है निकले घर से वोट देने के लिए, लेकिन जो मोदी लहर की बात थी ना कि मोदी लहर के आधार पर लोग वोट करने के निकलते हैं, तो मुझे गया से मेरी बात हुई, जमुई में बात हुई, नवादा में भी बात हुई, तो वहां के लोगों ने कहा कि वो मोदी लहर उस तरह से है लेकिन पहले की तरह 2019 की तरह नहीं है, लोगों में उत्साह की कमी है और स्थानीय जो उम्मीदवार हैं उनके प्रति भी बहुत आश्वस्त नहीं है लोग। मिसाल के लिए नवादा में जो उम्मीदवार हैं बीजेपी के वो बाहर के हैं और नवादा में काफी मुद्दा भी बनता रहता है बाहरी का और स्थानीय का। इसी तरह से जीतन राम मांझी के खिलाफ भी गया में काफी माहौल था, हालांकि उनको मोदी के आने के बाद मोदी जी की सभा हुई वहां पर। एक जो बात वहां ध्यान देने की थी कि वो नीतीश कुमार वहां नहीं गए थे, जब मोदी जी आए थे सभा करने तो वहां नहीं गए, तो कई लोगों ने मुझसे कहा कि यहाँ पर जो चार सीट है उसमें कहीं जेडीयू कैंडिडेट है नहीं, तो जेडीयू के जो सपोर्टर हैं या कार्यकर्ता हैं वो उस तरह से सामने आए नहीं, शायद एक वजह रही हो इसकी भी कि वोटिंग परसेंटेज वहां पे कम हुआ है। तो एक जो लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन है उसका नुकसान शायद बीजेपी को हो या एनडीए को हो, दो जगहों पर बीजेपी लड़ रही है औरंगाबाद में और नवादा में, और दो जो सुरक्षित सीट है उसमें एक जगह चिराग पासवान के बहनोई लड़ रहे हैं अरुण भारती, और दूसरी जगह जो एक और सीट है यहाँ, एक तो जमुई की बताया मैंने और एक गया, जीतन राम मांझी लड़ रहे हैं वहां एनडीए के, तो उनके खिलाफ एक मजबूत कैंडिडेट है आरजेडी के कुमार सर्वजीत, जो कि पासवान बिरादरी से आते हैं और पासवानों का, यादवों का और मुसलमानों का वहां पर उनको समर्थन प्राप्त है। तो ये जो दो सीट है ना, गया और जमुई, यहाँ पे काफी टक्कर है और अगर कहीं डेंट लग सकता है एनडीए को तो ये दो सीट अहम मानी जा रही है कि इस बार जो है अगर आरजेडी का जैसे खाता खुलेगा, क्योंकि इन चारों सीटों पर आरजेडी लड़ रही है अकेले, तो अगर आरजेडी का खाता खुलता जैसे कि 2019 में 0 पे आउट थे ये लोग, इस बार अगर खाता खुलेगा तो शायद यहीं से शुरुआत हो जाए उसकी, और अगर वहां शुरुआत होती है तो अगले चरणों के लिए भी आरजेडी के लिए और इंडिया गठबंधन के लिए एक शुभ संकेत होगा। हालांकि इतना रास्ता आसान नहीं है, रास्ता तो मुश्किल है जरूर, लेकिन कुछ पॉजिटिविटी है उनका, जो 2019 की स्थिति थी उससे कुछ बेहतर स्थिति नजर आ रही ग्राउंड पे। जी सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।